बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम मोहम्मद उमर और आप लोग देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल डिजिटल वर्ल्ड लर्निंग। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मैसेज जो कि राणा साहब ने उन लोगों को जी दिया है जो लोग दी वॉलेट्स अकाउंट जो है वो यूज़ करते हैं और जिनके अकाउंट्स जो हैं वो सस्पेंड हो चुके हैं या अकाउंट ओपन नहीं हो रहे, उन लोगों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट मैसेज है। अच्छा, इसमें मैं आपको एक और एक चीज़ दिखा दूँ। यहाँ पर मैंने अपना दी वॉलेट्स का अकाउंट ओपन किया हुआ है। यहाँ पर मैं प्रोफाइल में चला जाता हूँ और यहाँ पर आपके पास जो है आप लोग देख रहे होंगे कि यहाँ पर सस्पेंडेड सस्पेंडेड लिखा आ रहा है। तो इससे जो है आप लोगों ने घबराना नहीं है, ये ऑलरेडी मैंने अकाउंट जो है सम सब से जो है वो वेरीफाइड करवाया हुआ है। लेकिन जैसा कि तकरीबन 1-1.5 महीने पहले जो है राणा साहब ने बताया था कि ये जो भी मैनुअल वेरिफिकेशन वाले डॉक्यूमेंट्स होंगे वो डिलीट कर दिए जाएंगे, ठीक है। तो इससे घबराना नहीं, अगर आपका अकाउंट खुल रहा है तो आपको कोई जो है मसला नहीं होना चाहिए। यहाँ पर आप लोग जो है बेसिक वेरिफिकेशन में जाएं, ठीक है। अगर तो आप लोगों ने वेरिफिकेशन नहीं करवाई हुई तो आप लोगों को वेरिफिकेशन करवानी पड़ेगी, जो कि 5 USDT पे करके आपको वेरिफिकेशन करवानी पड़ेगी। अगर आपको वेरिफिकेशन जो है वो प्रोसेस का नहीं पता तो आप लोग जो है मेरे चैनल की जो है वीडियोज़ में जाना है। मैं आपको लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा वीडियो का भी। उसमें मैंने लाइव जो है अपने अकाउंट की जो है मैंने वेरिफिकेशन करवाई थी और यहाँ पर आप लोग पूरा प्रोसेस दे सकते हैं। उसके बाद जो है एडवांस वेरिफिकेशन भी आप लोग जो है बड़ी इजीली कर सकते हैं अपना एड्रेस का प्रूफ देके, ठीक हो गया। तो ये आप लोगों ने वेरिफिकेशन कर लेनी है और आप लोगों के पास जो है कोई इशू नहीं आएगा। तो सिर्फ आपने यहाँ पर वेरिफिकेशन करवा लेनी है और आप लोगों का अगर यहाँ पर सस्पेंड आ रहा है या कुछ भी लिखा हुआ आएगा, आप लोगों ने उसकी टेंशन जो है बिल्कुल नहीं लेनी, ठीक है। बाकी जिन लोगों का अकाउंट ही ओपन नहीं हो रहा तो वो लोग जो है ये आगे राणा साहब की वॉइस मैसेज है वो जो है आप लोग सुन लें और ये वीडियो जो है आगे भी शेयर करें ताकि बाकी मज़ीद लोगों को जो है इस चीज़ का पता लग जाए कि भाई न्यूज़ जो है वो क्या है, ठीक है। तो ये राणा साहब की वॉइस मैसेज। वॉइस में मैंने सोचा क्लियर कर दूं ये चीज़। ये जो डॉक्यूमेंट्स सस्पेंड हुए हैं, डॉक्यूमेंट्स ये तमाम यूजर्स के हैं, क्योंकि बताया गया था ये गालबन 1.5 महीना पहले की बात है। मैंने यहाँ पे अपडेट भी दी थी कि जितने भी जो मैनुअल वेरीफाइड अकाउंट्स थे जो कि हमने हमारी टीम ने वेरीफाई किए थे, वो सारे जो है बंद कर दिए जाएंगे 1 नवंबर को, ठीक है। तो 1 नवंबर को जो है वो अकाउंट्स बंद कर दिए गए थे, उनके जरिए से उनकी लिमिट्स यूज नहीं हो रही थी। और अभी जो है वो 7 नवंबर को जो है उनके डॉक्यूमेंट्स जितने भी हमारे पास पड़े थे वो हमने सस्पेंड कर दिए हैं, और वो डॉक्यूमेंट्स हम जो है मैक्सिमम 1 महीना अपने पास संभाल के रखेंगे, और उसके बाद जो है ये डॉक्यूमेंट्स भी हम अपने पास से डिलीट कर देंगे। और हमारी जो अभी वेरिफिकेशन का सिलसिलाकार है वो सिर्फ समसब के जरिए से रहेगा, और समसब के जरिए से ही हम सारे काम करेंगे। और उसके बाद में जो बाकी अकाउंट्स हैं जो अभी सस्पेंड आ रहे हैं, लॉगिन नहीं हो रहे हैं, उनके बारे में बताना चाहूँगा कि उन्होंने किसी से लेन देन किया, यानी कि यूज़र से लेन देन किया, और उस यूज़र ने जिससे उन्होंने कोई लेन देन किया है उसने कंप्लेंट की है कि वो फंड्स उसने खुद ट्रांसफ़र नहीं किए, बल्कि उसका अकाउंट जो है वो किसी दूसरे बंदे ने यूज़ करके ट्रांसफ़र की है। तो इस तरह करके जो है उनकी दरख्वास्त पे अमल किया गया है, ठीक है। और उनके जो मेन सस्पेक्ट्स थे उनके अकाउंट जो है वो सस्पेंड किए गए, और जो दूसरे हैं दूसरी टाइप के लोग हैं वो केसेस करते फिर रहे थे, तो हमने उनके अकाउंट्स जो हैं वो ड्रॉप किए हैं, सस्पेंड किए हैं। तो डेफिनेटली वो अगर जो है वो दूसरी तरफ चले गए हैं तो फिर डेफिनेटली उनका जो सिस्टम यूज़ करना तो बनता नहीं। और अभी जो है मैं एक बंदा देख रहा था, उसने केस भी किया हुआ था और बकायदा यूज़ भी कर रहा था, और तकरीबन इन दिनों के अंदर ही ये सस्पेंड किए हैं। बाकी फिर रिपीट कर दूं, जो डॉक्यूमेंट सस्पेंड किए गए हैं वो डेफिनेटली अभी हमें रिकॉर्ड में नहीं चाहिए, हम जो है सैमसंग यूज़ कर रहे हैं, सैमसंग की जिम्मेदारी है। और बाकी जो दूसरी है जो सस्पेंशन थी उनके बारे में उन्हें बता दिया।